लोक चेतना दल के द्वारा श्री राम जानकी मूर्ति वापसी यज्ञ के नाम से जो आंदोलन जारी है उसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पे एक बड़ा सवाल उठाया है कि राम के नाम पर चलने वाली सरकार ध्यान नहीं दे रही है। 26/12/2018 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया। धनवंती देवी प्रदेश संगठन सचिव बिहार लोक चेतना दल के द्वारा, जिसमें कहा गया आज अनशनकारी की स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। अनशन का 11वां दिन जारी रहा। आज दिनांक 26/12/2018 को लोक चेतना दल के सत्य अर्चना आंदोलन के तहत श्री राम जानकी मूर्ति वापसी यज्ञ का आज 11वां दिन भी जारी रहा। सैकड़ों ग्रामीणों ने यज्ञ स्थल पर पहुंच पूजा हवन एवं सुंदरकांड के पाठ की और अपने संकल्प को दोहराया कि जब तक मूर्ति वापस नहीं आएगी यज्ञ जारी रहेगा। यज्ञ स्थल को संबोधित करते हुए लोक चेतना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार झा ने कहा कि राम के नाम पर आई हुई यह सरकार राम की चोरी हुई, जिसके लिए आज 11 दिनों से अनशन किया जा रहा है, लेकिन यह सरकार प्रशासन किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अनशनकारी धनवंती देवी ने कहा कि चोरी हुई मूर्ति जब तक वापस नहीं आएगी यह यज्ञ जारी रहेगा, उपवास जारी रहेगा, चाहे मेरी प्राण ही क्यों न निकल जाए। अनशन के समर्थन में कल जिला अधिकारी के समक्ष समाहरणालय पर धरना दिया जाएगा, जिसके लिए लिखित सूचना दिया गया है जिलाधिकारी को। वरीय पुलिस अधीक्षक अनुमंडलाधिकारी पूर्वी मुजफ्फरपुर को दी गई है। यज्ञ स्थल पर मुख्य रूप से तरुण कुमार, आनंद कुमार झा, पिंकी देवी, मिथिलेश देवी, रविंद्र कुमार, सतीश कुमार, राजकुमार मोहन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे।